2024 में कौन चाहिए आपको फिर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मुझे मोदी जी चाहिए। कानून व्यवस्था से लेकर के सब बहुत बहुत बढ़िया है, कानून भी सही है, काम भी सही है। 2024 में अभी आपको मोदी जी? हाँ मोदी जी चाहिए जी। क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास और सब देख रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं जी। मोदी जी आएंगे जब मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, तब पे गांड घट ले, पर कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ मोदी ही जी आएंगे। ये मोदी जी आके देश को संभाल लिया है, वो मोदी थे इसलिए देश बच गया, अगर मोदी नहीं रहता देश बर्बाद हो जाता है। क्या नाम है आपका? फिरोज आलम। फिरोज आलम जी, आप यहाँ पे रहते हैं और यूपी के रहने वाले होंगे, कितना अंतर पा रहे हैं आप जो है यूपी में पहले से? अभी देखो ये सरकार लगातार दूसरी बार है यहाँ पे काम कर रही है, कानून व्यवस्था से लेकर के सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार और महंगाई, ये सब चीज़ लगा के कैसा है? देखिए सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि काम और कानून दोनों सही हैं, अभी कानून भी सही है, काम भी सही है, लेकिन रह गई बात महंगाई की, तो महंगाई काफ़ी हो रही है। महंगाई पे लेकर योगी जी से हमारे भी खास करके हाथ जोड़ के मैं उनका प्रणाम करता हूँ, वो हमारे ज़िले के करीब हैं, मेरा घर कुशीनगर जिला का है और वो हमारे गोरखपुर का हैं, फ़र्क यही है। लेकिन उनसे हम यही निरोध करता हूँ कि योगी महाराज जी, महंगाई भी यूपी में कम कीजिए, बाकी सब कुशल मंगल बहुत अच्छा चल रहा है जी, व्यवस्था ठीक है, अच्छा चल रहा है, बाकी थोड़ा सा महंगाई में, महंगाई काफ़ी है। अच्छा। जी, और ख़ास करके मैं एक और दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे रूम भाड़ा का हरौला में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब वो जोगी जी थोड़ा ध्यान दे, वो तो हमारे मुल्क के ही हैं और पड़ोसी है, तो यही चीज़ मेरा कहने का मतलब है। कानून व्यवस्था से लेकर के सब बहुत बहुत बढ़िया है, सबका साथ सबका विकास जो इनका हो रहा है, लेकिन बहुत मतलब यदि देखा जाए गांव में तो वो सब नहीं हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास। जैसे प्रधान जी लोग हैं तो प्रधान जी लोग अपने खास आदमी को वो सब कर रहे हैं, बाकी जो इनका एंटी है, अब तो ये बात हो गई, जैसे कोई भी लाभ जो है ना वो सीधा का सीधा खाते में जाता था, जा रहा है, पहले तो प्रधान के माध्यम से जाता था तो जैसे बोला जाता था कि पूरा का पूरा पैसा खा जाते हैं, अब तो सीधा। लेकिन सर ये अभी भी वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो व्यवस्था अभी भी है। जैसे मान लीजिए पिछड़ी वर्ग का आदमी है और रह गई बात की लास्ट चॉइस में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अभी तो मान लीजिए हर बड़ा के लोग अच्छे से खाते हैं, तो सबका खाते भी खुल गई हैं और वो तो है, अच्छा है, अच्छा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे यूपी में योगी जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है कि भाई इनको बाहर करना है, गठबंधन हो रहा है? नहीं नहीं, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करूँगा सर, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। 2024 में कौन चाहिए आपको फिर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मुझे मोदी जी चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, लेकिन सरकार ने बने, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता सर, अभी बताइए क्यों नहीं हो सकता? सरकार जब सरकार नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम यदि कर रहे हैं तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। दिक्कत किसके है? सरकार जब सरकार ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री कैसे रहेंगे? कैसे नहीं रहेंगे सर, यदि अभी बता दीजिए, ये बताइए कि यदि सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनको अच्छा बोल रहा हूँ। मोदी जी अच्छा है, अच्छा है, आप एक दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सरकार उनकी ना रहे, राज्य की सरकार नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राज्य में, यहाँ पर जी, यहाँ पे योगी यहाँ पे या अन्य कहीं भी, अच्छा, उनकी सरकार नहीं हो तो अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी बने रहे हैं, ये मैं कुशल मंगलों का समझूंगा या उनको मैं वोट भी दूंगा। तो लेकिन सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को, वो तो गलत चीज़ है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कैसा लगता है यहाँ पे कानून व्यवस्था, जैसे आपको 2024 भी नज़दीक आने वाला है, तो प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? प्रधानमंत्री तो मोदी चाहिए 2024 में प्रधानमंत्री, और अगर गठबंधन तैयार हो रहा तो उसमें प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? गठबंधन किसके? एक वो ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सब गठबंधन कर रहे हैं ना, इसको गठबंधन करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा। वो चाहे पूरे इंडिया मिल जाए ना, तब पर भी मोदी बनेगा। हाँ, मोदी और योगी ये दोनों बेस्ट है। योगी जी का शासन कैसा है? अच्छा शासन है योगी जी का। मैं चाहता हूँ कि योगी जी को सन 2025 में बनाना चाहिए, योगी जी को प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री? हाँ, डिमांड है हमारी 2024। अभी तो मोदी जी रहेंगे जी। हाँ, मोदी जी की पूरी आस्था है कि मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। रिटायर्ड हो जाएंगे तो तब योगी जी संभालेंगे सीट, हमारी यही योजना है कि योगी जी आए।
2024 में अभी आपको मोदी जी चाहिए? हाँ मोदी जी चाहिए जी। क्यों चाहिए मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास और सब देख रहे हैं, देश को मजबूत कर रहे हैं जी। मोदी जी मजबूत कर रहे हैं देश को और मोदी जी को आना चाहिए जी। हाँ जी, जिस तरह से गठबंधन तैयार हो रहा है, गठबंधन बन गया है, तीसरी मीटिंग उनकी कल जो है बम्बई में है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, सारा गठबंधन मिल करके कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना है, तो क्या लगता है आपको ये बाहर कर पाएंगे? मोदी जी को कोई बाहर नहीं कर पाएगा, जो मर्जी कर ले, कोई नहीं बात कर सकता उनको। जनता का यही है, मोदी जी आएंगे जी। तो आपको लगता है इनमें जो है, अगर ये चाह रहे हैं कि पहले तो इनको अपना प्रधानमंत्री, जो सब इकट्ठे हो गए, उनको पहले प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना पड़ेगा कि हमारा नेता कौन होगा इस गठबंधन में। आपको लगता है कि इनमें कौन है प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला, कौन होगा इनका सर्वमान्य नेता? इनका टक्कर देने वाला अभी मुझे लगता कोई है नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री ही आएंगे, योगी जी, मोदी जी आएंगे सिर्फ। घबरा रहे हैं कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि इनके विचार भी नहीं मिलते हैं, लेकिन तब मिलेंगे, जो मर्जी हो विचार नहीं मिलेंगे। मोदी जी आएंगे, जब वो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, तब पे गाड़ घट ले, पर कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ मोदी ही जी आएंगे। तमाम विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, जैसे कि उनकी पटना में मीटिंग हुई, फिर बेंगलुरु में हुई, कल और परसों जो है ये बम्बई में होने वाले, सारे नेता जो है एकजुट हो रहे हैं कि मोदी जी को बाहर करना है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप बाहर कर पाएंगे? नहीं जी, नहीं, मोदी जी बाहर नहीं होंगे, मोदी जी की सरकार बढ़िया है, मोदी जी की सरकार में सबसे ज्यादा सही हो रहा है, योगी मोदी जो भी सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जी जी। लेकिन ये लोग जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सरकार दी है, सबसे ज़्यादा जो है जनता में रहते हैं, सबका विकास इन्होंने भी किया और काम भी करते हैं, लेकिन इनको जो है कोई भी काम जो है मोदी जी का समझ में नहीं आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ इन 9 सालों में। नहीं जी, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, हम तो जो भी देख रहे हैं रोड सड़क गांव यूपी की सबसे सही हो रहा है, कानून व्यवस्था भी सही हो रही है मोदी की तरफ से। सबका साथ सबका विकास, सब ठीक है जी जी। लेकिन विपक्ष हमेशा यही कहता है कि ये जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, क्या ऐसा है? नहीं जी, ऐसा नहीं है, जाति बिरादरी का कोई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार को आप जानते होंगे, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं ना बिहार में क्या स्थिति है, बिहार के लोग होते हैं आपके साथ जो है काम करने वाले यहाँ? जी होते हैं, बिहार इतने दूर से बिहार के लोग जो है लगातार जो है बाहर के राज्यों में जाते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश बाबू जो है 9 बार जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी लालसा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो क्या बन सकते हैं, मोदी जी को टक्कर देंगे? नहीं जी, मोदी जी की टक्कर नहीं देंगे, अगर वो टक्कर देते मोदी जी के तो वो बिहार में अपने उनको काम कराते वहीं, वो दिल्ली में क्यों आ रहे हैं फिर बिहार से? एक आदर्श काम कराना चाहिए उनको जी जी जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कर सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी बात उठ रही है कि हमें जो है केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री। नहीं जी, मोदी आएगा, मोदी आएगा जी। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। बिहार के, देखो बिहार की बात हो रही थी, बिहार में जिस तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश बाबू बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन तैयार करना, गठबंधन की मीटिंग करना, सबसे पहले जो है महागठबंधन की मीटिंग जो है पटना में ही हुई है, उनका एक ही कहना है कि 2024 में जो है मोदी जी को बाहर करना है, आपका क्या कहना है, आपको प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मुझे मोदी चाहिए जी। जी हाँ। अब देखो आप कह रहे हैं मोदी चाहिए, इतने संघर्ष करते हैं, इतने मेहनत करते हैं, ये लोग एसी कमरे में बैठे रहते हैं, बड़े ठाठ से रह रहे हैं, कई लोग जो है इनके पास, इन्होंने सरकारें भी चलाई हैं, लेकिन फिर भी जो है मोदी का काम इनको एक भी काम नहीं लगा है, वो कह रहे हैं 9 सालों में कोई भी काम नहीं हुआ, ऐसा है? क्या काम नहीं किया जी, वो तो गिनती देगा नहीं जी, क्या काम नहीं किया मोदी, किसी से आप पता कर सकते हो, हर कोई बताए मोदी का नाम, कोई नीतीश किसी को कोई जानते नहीं। नीतीश कुमार जब था बिहार में, जब मोदी में सजा हुआ था, जब काम बहुत बढ़िया चल रहा था, और अभी देखो अभी जो लालू के लड़का के साथ मिल गया है तेजस्वी, वो कितना बेकार काम हो रहा है बिहार में, कभी वो मारा जा रहा है, कभी वो मारा जा रहा है, कभी पुलिस प्रशासन, कभी और इससे फायदे जंगल दोबारा फिर वापसी आ गया, और हम ये जानते हैं मोदी या जोगी के अलावा कोई भी बढ़िया है नहीं, क्योंकि अगर देश का किराया रखना है तो सिर्फ प्रशासन रखो, प्रशासन आपका टाइट है, सख्त है, तो हर कोई भी सही चलेगा। आज की डेट में देखो दिल्ली में कितना दंगा हो रहा, चीन चोर झपट हो रहा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कोई बोल सकता नहीं, क्योंकि यहाँ का कानून सख्त है एकदम, अगर जानता लोग अगर हम ये काम करेंगे, गलत करेंगे, किसी को मारेंगे, विवाद करेंगे, तो मेरे को जोगी जी छोड़ेंगे नहीं, घर तक के गिरवी करवा लेंगे, इसलिए जो है यहाँ गंडा गुड्डी नहीं कर। अब ये बताइए लॉकडाउन में जो इतना राशन बांट रहे हैं मोदी जी, और कोई रहता जैसे कि ये
क्या बोलता नाम भूल रहा हूँ मैं, वो रहता तो देश बिल्कुल बुरा हालत पर चलता, कितना समय पीछे चल जाता। ये मोदी जी आके देश को संभाल लिया है और घरे घर सबको राशन दिए हैं और मुफ्त इंजेक्शन दिए हैं, वो भी दिए हैं। वो मोदी थे इसलिए देश बच गया, अगर मोदी नहीं रहता देश बर्बाद हो जाता। आप 2024 के लिए बड़ी उथल पुथल हो रही है, महागठबंधन तैयार हो गया है, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को बाहर करना, ये पैसे ऊपर आ रहे हैं। वैसे है, दिक्कत कुछ नहीं है, ये खुशहाली नहीं लगता है कि किसी सरकार में आया हो, खुशहाल है दुनिया। तो जब दुनिया खुशहाल है तो वो उसी को न चुनेगा। लोग महंगाई महंगाई भूख रहा है, कल मेरा तनख्वाह था 7,000 रुपये, आज 18,000 रुपये उस सरकार में। एक मजदूर 200 रुपये 300 रुपये कमाता है, 600 700 800 कमाता है, तो आप क्या चाहिए उसको, महंगाई क्या फर्क पड़ेगा। हमें मोदी चाहिए। सर एक बात बताइए, हम इस बरसात में एक हमारे खेत डूब गया, उसमें हम जब टमाटर उपजेगा ही नहीं तो आपको हम 20 रुपये कहाँ से देंगे। जब हमारे हम खुद किसान है, हमें जब उपज ही नहीं रहा तो हम मार्केट में कहाँ से देंगे। अब वही टमाटर 30 रुपये है, जाएगा। और थोड़ा उपजने दीजिए तो वही। तो ये मोदी से पूछना चाहता है वो लोग जो भाई क्यों है महंगा, मोदी अपने घर से देता है क्या? तो आप हम उपजा के देते हैं तो मार्केट में आता है, वही तो है। जब टमाटर 250 रुपये किलो था तो मोदी के ऊपर ननका बजाता था, मोदी सरकार 250 रुपये किलो टमाटर बेच पा रहे, आए 20 रुपये किलो हो गया था, इन्हें बोलते 20 रुपये किलो क्योंकि सस्ते।